हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता। वेलकम टू मॉम्स मैजिक। फ्रेंड्स, आज मैं स्वीट बनाने वाली हूँ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप इसको घर पर ट्राई करते हैं तो आपके घर के छोटे मेंबर हो या बड़े मेंबर, सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा वो हम देख लेते हैं। चोको मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा दूध का पाउडर, दूध, ये है नारियल पाउडर, कोका पाउडर है, और ये है घी तथा मिल्क मेड। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मिल्क पाउडर हमें डाल देना है। मिल्क पाउडर मैंने 1.5 कप लिया है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी, घी डालने के बाद इसको हमें अच्छे से थोड़ा मिलाना होगा। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा मिल्क मेड। मिल्क मेड अगर आपके पास नहीं है तो इसके जगह पे आप चीनी डाल सकते हैं। चीनी अपने हिसाब से डालें, आपके घर में कैसा स्वीट चाहिए रहता है। और इसको मैं दूध से थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके एक डो की जैसा बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह हमें करना है। दूध हमारा बहुत ही थोड़ा लगा है, तो चलते हैं अब इसको बनाने। मैंने लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। इसके साथ ही ये जो मैंने तैयार किया था डो, ये डाल देंगे। इसको हमें चलाना है थोड़ी देर तक के लिए, अच्छे से मैश करना है। 2 मिनट तक हमें इसे चलाना पड़ेगा। 2 मिनट्स लेटर, इसको चलाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मुझे डालना है नारियल। नारियल धीरे धीरे डालना है और इसे भी पूरी अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरफ सारे नारियल भी पूरी तरह से मिल चुके हैं। 1 कप नारियल डाला था मैंने। अब इसको हम आधा निकाल देंगे, वाइट कलर का ही रहने देंगे आधा। इसमें मैं डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच कोका पाउडर। कोका पाउडर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इससे लेकर आया था, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो आप अभी से हमें अच्छे से मिलाना है। ये देखिए, कोका पाउडर अच्छी तरह से मिल चुका है। इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इनके हमें ऐसे ऐसे गोले बनाने पड़ेंगे। सभी गोल लड्डू की तरह बना के पहले रखना है। After some time, इस तरह देखिए मैंने सारे गोले तैयार कर लिए हैं। देखने में मस्त लग रहा है ना, रसगुल्ला और गुलाब जामुन की तरह। अब इसका हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमें 3 गोले लेने पड़ेंगे ब्राउन कलर के, और 3 लेने पड़ेंगे वाइट कलर के। और इनको इस तरह रखना है ऐसे। ये देखिए, अब धीरे धीरे इनको आपस में चिपकाना है। इस तरह हल्के हाथों से राउंड 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 घुमाना है थोड़ा, और फिर धीरे से बीच में दबा दें। ये देखिए, इस शेप का। देखिए, स्वीट मेरा तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत सर आ रहा है ना देखने में, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप सब इस डिलीशियस मिठाई को ज़रूर घर पे बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।